अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ईमान फातिमा और आप देख रहे हैं केजी न्यूज़ HD। हमारे केजी न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी और कलम नगार मियां मीर अहमद मसारा सोहरवर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक DIG ट्रैफिक पुलिस पंजाब जनाब इमरान महमूद ने जश्न आज़ादी को हादसा फ्री बनाने के लिए खबरदार किया है कि वन व्हीलिंग करने वाले और वन व्हीलर्स की मोटरसाइकिल तैयार करने वाले मकैनिक भी जेल की हवा खाएंगे। इनके हालात का अजा इन्होंने मारूफ सहाफ़ी कलम नगार मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी से खसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। DIG ट्रैफिक पंजाब जनाब इमरान महमूद का कहना था कि पंजाब भर के डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस अफसरान को इस सिलसिले में हदायत जारी कर दी है कि तमाम मकैनिक हजरात और वर्कशॉपों वालों समेत आवाम को आगाही मुहिम में बताया जाए कि वो इस काम का हिस्सा ना बने। DIG इमरान महमूद ने वालदैन के नाम भी अपने पैगाम में कहा कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें, वो अपने बच्चों को इस खूनी खेल से बचाएं। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस बहावल नगर ने आगाही मुहिम शुरू कर दी। इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट बहावल नगर के इंचार्ज मोहम्मद आजम बट्टू का कहना था कि DIG ट्रैफिक पंजाब जनाब इमरान महमूद के अहकाम की रोशनी में हमारे DPO बहावल नगर जनाब मोहम्मद जफर बुजार और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हसन दानियाल बशीर की हदायत पर वन व्हीलर्स की लिस्टें मुरतब की जा रही हैं और मोटर मैकेनिक मार्केट में आगाही मुहिम जारी की गई। DIG के हुक्म के मुताबिक इस जश्न आज़ादी को हादसा से फ्री बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन है और वन व्हीलिंग करके शहरों की जान को खतरे में डालने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज होगा और इनको रात हवालात में गुजारना होगी।